पीलीबंगा ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन का आरोप, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। पीलीबंगा कस्बे के गंगा मैरिज पैलेस में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। विरोध के चलते वहां तोड़फोड़ भी की गई तथा प्रोग्राम के विरोध में कुछ युवाओं ने वाल्मीकि चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दिया, जिसे मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने बंद करवा दिया तथा युवाओं को हिरासत में ले लिया, जिससे पुलिस थाने में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों में थाने के आगे धरना दे दिया है। जब तक 7 युवकों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। वंदे भारत न्यूज के लिए राजेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट। सिर्फ हमारे भाई लोगों की रिहाई कर दी जाए, अगर ये रिहाई नहीं करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन यहाँ अभी से प्रारंभ करेंगे। सिर्फ कुछ समय दे रहे हैं पुलिस थाने को, थानेदार को, कि भी जल्द से जल्द हमारे भाई लोगों की रिहाई कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जल्द ही उग्र आंदोलन, हमारे सभी भाई बंधु धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। हाँ सर बोलिए, क्या मामला था? आज सुबह भाई प्रमोद का मेरे पास फोन आया और उसने बताया कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के लिए मुझे बुलाया है। कुछ समय बाद ही उसका दोबारा फोन आया कि मैं धर्म परिवर्तन करने वाले गंगा पैलेस के अंदर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जब प्रमोद वहाँ पर गया तो उसको कहा कि आपको धर्म परिवर्तन करना होगा और 5 लाख रुपये आपको देंगे। उसके बाद जब उसने प्रमोद ने मना किया तो उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की, बस लुकी की, उसको धक्के मार करके वहाँ से बाहर निकाल दिया। उस जब वो यहाँ पर आया प्रार्थना पत्र देने के लिए तो उसका प्रार्थना पत्र नहीं लिया, उसको यहाँ थाने से वापस भजा दिया गया। जब उसने दोबारा फिर फोन किया कि यहाँ प्रार्थना पत्र नहीं ले रहे हैं तो हम उनके साथ आए। दूसरी तरफ पीलीबंगा में आज 2 घटनाएं हो रही थी, एक तरफ धर्म परिवर्तन हो रहा था, उन लोगों को पुलिस का सहयोग मिला हुआ है, और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे हमारे वाल्मीकि चौक के ऊपर। हमारे भाई निर्दोष भाई है, वो सुबह से हनुमान चालीसा लगातार पढ़ रहे थे, तो उनको जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनको संरक्षण दिया गया। उनके कुछ व्यक्तियों को, 3-4 व्यक्तियों को झूठा मूठा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे उन व्यक्तियों को उठा करके यहाँ ला करके बंद कर दिया। और हमारे यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सुबह से यहाँ पर बैठे हैं कि सीआई साहब से मिलना है, उनको गिरफ्तार किस लिए किया है? कि सीआई साहब को मिलने के लिए टाइम नहीं है, दोपहर को बोल रहे हैं कि खाना खाने के, यहाँ सुबह बोल रहे हैं कि उनको टाइम नहीं है। ये हालात पीलीबंगा के दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अगर ये हालात रहे और इन भाइयों को, जो निर्दोष भाई है, इनको अरेस्ट कर रखा है, इनको तुरंत रिहा नहीं किया गया, और जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जिस भाई के साथ गाली गलौज की है, उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन पीलीबंगा में होगा।